नमस्कार, एकेश न्यूज में आपका स्वागत है। पन्नी वाले गांव में प्रधानाचार्य के तबादले पर रोक लगाने के लिए चौथे दिन भी रही तालाबंदी। वह सैकड़ों पुरुष व महिलाएं वह बच्चों से तबादले पर रोष प्रकट किया। वह आज से आमरण अनशन पर बैठे गांव के बुजुर्ग लक्ष्मी नारायण सिहाग व युवा राजेश खोत ने आज से आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक प्रधानाचार्य का ट्रांसफर निरस्त नहीं होता है। एकेएस मीडिया से क्राइम रिपोर्टर सुभाष वर्मा पन्नी वाले। कल जो साहब आए थे उन्होंने बोला आज सुबह 8 बजे तक का आश्वासन दिया था उन्होंने कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन आज सुबह 8 बजे तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। तो हमने कर्मी का अनशन रोक के आज आमरण अनशन शुरू किया है, जिसमें हमारे 2 लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। जब तक हमें हमारी जो मांग है पूरी नहीं होगी तब तक ये अनशन जारी रहेगा, और अनशन के अलावा कोई और अगर हमने करना पड़ा तो वो भी हम करेंगे, ये बात है। लेकिन जब तक हमें जो हमारी मांग है पूरी नहीं होगी तब तक हम रुकेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे मैदान में। तब तक हड़ताल जारी रहेगी, ये बात है। असि भुख हड़ताल से बैठे हुए हैं, तो अज तक साढ़े कोई ना कर्मचारी आया है, ना ही कोई डॉक्टर आया है, तो ना ही कोई प्रशासन का। क्या प्रशासन कोई आपके पास आए हैं क्या? नहीं, आज कोई भी प्रशासन नहीं आया। अच्छा, और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आमरण अनशन आज हमने शुरू किया है वो आगे से और भी उग्र रूप धारण करेगा। इसकी समस्त जिम्मेवारी राज्य सरकार व प्रशासन की होगी, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ये राज्य सरकार व प्रशासन को ही सोचना पड़ेगा। अज असी भुख हड़ताल से 2 बंदे बैठे है, राजेश कुमार खोत ते लक्ष्मी नारायण जी सिहाग। अगर ना ही तो कोई प्रशासन का बंदा आया है, ना ही कोई डॉक्टर आया है, एदी सारी जिम्मेवारी प्रशासन दी ही रहेगी, ते पूरी सरकार दी जिम्मेवारी रहेगी। अगर ए ना कोई साड़ी देख रेख ना हुई ते हड़ताल बहुत लंबी चलेगी। धन्यवाद। ग्राम पंचायत बनने वाले जटान के आज के उच्चरात में मेडालय की मैडम का जो ट्रांसफर हुआ है, जिसके लिए पिछले 4 दिनों से हम कर्मी कंसन पे थे, आज सुबह से हमने रिपोर्ट ली तो हमें पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिली, तो सुबह से आज हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिसकी प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। हमने प्रशासन को आज चेता दिया है कि जब तक यहाँ हमारी मैडम का तबादला निरस्त नहीं होगा तो हम जो है अभी सेकंड स्टेप पे आ गए हैं। पहले हमने कर्मी कंसन किया, आज आमरण अनशन किया है। हम सरकार को चेता देते हैं कि इसके बाद अब हमारे पास 2 रास्ते और हैं, हम वो हथकंडे भी अपनाने के लिए तैयार हैं अगर सरकार ने अभी भी ये तबादला निरस्त नहीं किया। हाँ जी, मैं टर्न पर चढ़ जाऊंगा। मैडम ने की बात उन्होंने की तो बहुत बढ़िया जी।